अरे यार, काम का पहला दिन है, लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। मुझे ऑल द बेस्ट कहने के लिए कोई भी नहीं है, ना पूर्वी ना आजी। ये आजी को भी ना अभी मंदिर जाना था। कहते हैं जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो पूजा करके नारियल फोड़ते हैं, लेकिन मुझे तो इन सबके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं ठहरी कैनेडा से, तो गाइड करने वाला भी कोई होना चाहिए था ना, लेकिन देखिए ना, कोई नहीं है मेरे साथ। मैं हूं ना, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, मुझे अपने टैक्सी की पूजा करनी है, लेकिन आपको पता है ना, मेरी नॉलेज नहीं है इन सब मामलों में। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तू एक मिनट रुक, मैं भी आई। मैं जिंदगी में पहली बार कोई नया काम शुरू करने जा रही हूँ। काश मेरे बाबा भी मेरे साथ होते और मेरी आई भी। आई किसका नाम ले लिया मैंने? उस औरत से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए ना। वो कभी खुशी में हमारे साथ थी, ना कभी दुख में। खैर कोई बात नहीं, अब आप हैं ना मेरे साथ। मैं सच बताऊं, आपके होते हुए ना मुझे अपने आई और पापा दोनों की कमी महसूस नहीं हो रही। आंटी आप मेरी आई तो नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगी? शुरू भी नहीं किया और आप अभी से इमोशनल हो गई। चल पागल। अच्छा ये तेरे लिए खाना लेकर आई, खाना खा लेना और बाहर का मत खाना। आपने मुझे खाना बना के दिया, मैं बाहर का खाना क्यों खाऊंगी? अरे लेकिन अभी क्यों खा रही है तू? रैंडी खाने को कभी इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अरे एक सेकंड, मैं दोपहर के लिए लेकर आई, तू अभी से मत खा, दोपहर में खाना। चलो दोपहर में क्या करते हो? अच्छा ठीक है, खा ले। कैसा बना? तुम तीखा। आपको ऐसे पता? वो तू हमेशा वड़ा पाव के साथ एक्स्ट्रा मिर्ची खाती है ना, तो मुझे पता चल गया। मुझे लगा ही तुझे मिर्ची बहुत पसंद होगी। मुझे तो लगा फिर आज और बाबा को ये बात पता है, अब आपको भी पता चल गई। खैर मैं तो खाती जा रही हूँ, दोपहर के लिए बचा के रखती हूँ ना बाबा। अच्छा तेज, अब तो निकल, तुझे देर हो रही होगी ना। अभी बस है एक घंटा। एक घंटा है तेरे पास? हाँ। अच्छा तो फिर चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल तो, चल गाड़ी चला। अरे कहाँ? लेकिन आंटी आपको पता है, मेरे बाबा कहते थे जब भी पापा के मंदिर में जाओ ना तो हमेशा नंगे पैर जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना वो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाती हैं और आपको आपकी जो भी विश होती है, जो भी मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। मानव आज आप मेरे साथ नहीं तो क्या हो गया? आपका एक अंश जरूर मेरे साथ है। आपने मेरी बेटियों को वो सारे संस्कार दिए जो कभी मैं देना चाहती हूँ। अब जो कुछ भी कमी रही होगी वो मैं पूरी कर दूंगी। अब मैं अपने माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। मानव पता है कहते हैं कि कोई भी काम की शुरुआत पापा से करनी चाहिए तो काम अच्छा आता है। ओ आंटी, कभी कभी ना मुझे लगता है मैं अपने घर में हूँ, अपने मतलब कनाडा हाउस में हूँ, कनाडा वाले घर में। ऐसे क्यों लगता है? आप ना हमेशा मेरे बाबा की तरह सोचती हैं। आपको पता है मेरे बाबा भी हमेशा यही कहते थे, जब भी किसी नए काम की शुरुआत करो ना तो हमेशा पापा को याद किया करो। Thank you.
अरे आंटी, ये मिठाई किसके लिए? मिठाई बच्चों, ये लो ये लो ये लो। तेज कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी खुशियां सबके साथ बांटे। तो आपने उसे अभी से ही मिस करना शुरू कर दिया। किससे? पूर्वी को। मतलब वो ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है ना। देखिए आंटी, अब पूर्वी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। आप जब भी मुझे याद करेंगी, मैं झट से आपके सामने हाजिर हो जाया करूंगी। अब मैं पूर्वी की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, पूर्वी की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। चलो आंटी, देखिए ना मेरी गाड़ी कितनी चमक रही है। हाँ, बहुत चमक रही है। मुझे ना बचपन से कार्स का बहुत शौक था। आई जस्ट लव कार्स, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद कार्स। पता नहीं ऑब्सेशन कहाँ से आया। अब देखिए ना, मैंने अपना प्रोफेशन भी ऐसा लिया है, कार्स से रिलेटेड, कैब ड्राइवर। मानव, बाहर आई रे, मैं खाना लेकर आई। हो गया जरा, बस आ रहा हूँ बाहर, ये जरा स्क्रू फिट कर दूँ। तेज, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बाबा को कार्स का शौक हो। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरे बाबा तो बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने पुराने दिनों में क्या किया करते थे उन्होंने मुझे कभी ढंग से बताया नहीं, वैसे मैंने कभी पूछा भी नहीं। तेज, पता है कभी कभी क्या होता है ना, हमारी आदतें, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे पहले पीढ़ी से हमें मिलती है। जैसे कभी कभी होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वही प्रोफेशन चूज करते हैं जो उनके माँ बाप का होता है। जैसे मेरे दादा, मेरे बाबा रेलवे में थे, तो जैसे दादा बड़े हुए तो दादा ने भी रेलवे ज्वाइन कर लिया। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मेरे बाबा कार मैकेनिक थे, या फिर वो कार डीलिंग करते होंगे। ओह गॉड, मेरे बाबा कार मैकेनिक नहीं आंटी, आई मीन सॉरी बट। तेजू, तेरे बाबा कार मैकेनिक ही थे, बस बात यह है कि तुझे पता नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कभी तुझे पता चलेगा। अर्जुन, जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? ओवी, ओवी, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्सा हो, बट प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। क्या सुनूं मैं? पिछले एक महीने से मेरे बाबा उस औरत के साथ रह रहे हैं, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। ओवी, मैं डर गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अगर ये बात तुम्हें पता पड़ेगी तो तुम पर क्या असर होगा। और शायद मानव अंकल भी तुमसे ये बात इसीलिए छुपा रहे हैं, बिकॉज वो जानते हैं, ओवी वो जानते हैं कि इस बात का तुम पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और प्लीज इतना रिएक्ट मत करो ओवी, ओवी ओवी डोंट क्राई, ओवी प्लीज, ओवी जस्ट काम डाउन, ओवी ओवी प्लीज मेरी बात। अर्जुन, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ, मैं ये सारी बातें किससे शेयर करूँ, बहुत चीटेड फील कर रही हूँ। ओवी, ओवी, I understand. और तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम जिस फेज से गुजर रही हो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ओवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओवी, मानव अंकल और अर्चना आंटी को इस वक्त एक साथ रहना ही होगा, और अगले 5 महीने के लिए साथ में, अदरवाइज उन्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। ओवी, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 5 महीने तक मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, पर अगर उसके बाद उस औरत ने, ओवी सचिन है ना वहां पे, वो हेल्प कर रहा है ना मानव अंकल को, वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेगा। बस हमें सिर्फ इतनी कोशिश करनी कि हमारी तरफ से इस केस में और कॉम्प्लिकेशंस ना बने, दैट्स ऑल। वो भी कुछ भी हो जाए, अपनी आजी को ये बात मत बताना, वरना बेवजह बात बहुत बढ़ जाएगी। वो भी डोंट वरी अर्जुन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे डिवोर्स प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि औरत मेरे बाबा के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी मेरी वजह से। ओके, यू टेक केयर, ओके। आपने कहा था कि आप इंडिया जा रहे हैं आजी के लिए वहां घर बनाने, सच तो ये है बाबा कि आप वहां उस औरत के साथ रुके।
मानव वो शायद वंदु घर पर नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। थैंक्स। अरे हो गई बेटा, कैसी है बेटा तू, और आज अचानक बाबा की याद कैसे आ गई तुझे? काश बाबा आपको याद करने की वजह भी अच्छी होती, पर आपने तो ये तो इसका मौका ही नहीं दिया मुझे। तू क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओवी बेटा आज दे, बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? पापा आपने झूठ कहा मुझसे, और सिर्फ मुझसे नहीं अपने आजी और तेजू से भी झूठ बोला। बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बाबा आपने कहा था कि आप इंडिया जा रहे हैं आजी के लिए वहां घर बनाने, इसी सिलसिले में आप वहां रुके हुए, पर ये सच तो नहीं है ना बाबा? सच तो ये है बाबा कि आप उस औरत के साथ रुके, जिस औरत ने कभी जिंदगी भर हमारे बारे में परवाह तक नहीं की, उस औरत के साथ वहां पे रह रहे हैं। बेटा मैंने किसी से कोई झूठ नहीं बोला, मुझे डिवोर्स के सिलसिले में यहां आना पड़ा, और मैं खुद नहीं जानता था कि ये बात आगे चलकर ऐसा मोड़ ले लेगी। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, रीजन चाहे कुछ भी हो, पर सच तो यही है ना कि आपने अपने हम सबसे झूठ बोला, आपने धोखा दिया है हमें, वो भी किसी और के लिए नहीं, उस औरत के लिए। नहीं बेटा, तुम लोगों को धोखा देने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बेटा इस डिवोर्स केस को अंजाम देने के लिए कोर्ट ने हमें अगले 6 महीने एक साथ रहने का ऑर्डर दिया है, अगर मैं इनकार कर देता तो बेटा ये तलाक कभी नहीं हो पाता, इसीलिए मजबूर मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम लोगों को ये बात कैसे बताऊं। I'm sorry बेटा, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। It's okay बाबा, मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उस औरत के पास वापस नहीं जाएंगे। I trust you। तो चिंता मत कर बेटा, सब कुछ खत्म होते ही मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। ओके बाबा। अब तो खुश हो ना तुम, सुकून मिल गया तुम्हारे दिल को, या आप भी कुछ बाकी? जिस झूठ से आज तक मैं नफरत करता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे वो झूठ बोलना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर गया, बेटी के सामने झूठा साबित हो गया। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता, तुम क्या समझो जब एक बेटी अपने बाप से नफरत करती है तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरता है?
मानव मानव जहाँ पे एक पल के लिए भी अपनी बेटी की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जरा सोचिए मैंने पिछले 18 सालों में उनकी नफरत कैसे बर्दाश्त की होगी। और फिर कम से कम आपके पास एक नफरत को दूर करने का मौका तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं। मैं उनसे उनसे कह भी नहीं सकती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। आपने तो अपना दर्द मेरे सामने बयां कर दिया, लेकिन कि मैं अपना दर्द किसके साथ बांटूंगा? मेरे पास कोई नहीं, आप भी नहीं। Yes, ma'am. मेरा नाम पुनी करंजकर है, मुझे आज यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। ओ या, अर्जुन सर ने मुझे बताया था आपके बारे में। प्लीज बी सीटेड इनसाइड, मैं सर को अभी इन्फॉर्म करती हूँ। अब क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पूर्वी कहाँ बैठती है? एक्चुअली मैं उसे जानती हूँ। आप सीधे जाइए, सामने उनका टेबल है। थैंक यू। वेलकम। पूर्वी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इतने दिन से इस कंपनी में काम कर रही है और फिर भी सुपरवाइजर के पोजीशन से ऊपर ही नहीं होता। अगर इसकी जगह मैं हूं तो कहां से कहां पहुंच गई होती, अपने नाम की सेपरेट कैबिन लेकर ऐश कर रही होती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहन को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो उसकी तरफ से मैं गारंटी लेती हूँ कि वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी और आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। सीरियसली सर, मेरी बहन को जॉब की बहुत जरूरत थी। आई नो, उसने मेंशन किया। इनफैक्ट मैंने उस पर कोई फेवर नहीं किया। उसका सीवी काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, इसीलिए उसे अपॉइंट कर रहा हूँ। एक मिनट। हेलो, अच्छा एक काम करो, उन्हें थोड़ी देर में अंदर भेज दो। Your sister, she's here. ठीक है सर, मैं चलती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। पूर्वी, ये तुम्हारे लिए अच्छा। सर, I'm so sorry, लेकिन अब मैं आपको कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकती। आपने ऑलरेडी मुझे इतने महंगे कंगन दिए थे, तब मैं आपको मना नहीं कर पाई क्योंकि आपने वो शगुन के तौर पे दिए थे, लेकिन अब मैं आपका कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती सर। जब आई नो कि आपको मेरा बिहेवियर रूड लग रहा होगा, लेकिन आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के लिए ये सब ठीक नहीं है। अगर लोगों को पता चलेगा सर, तो वो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तुम मुझे बोलने का मौका दे सकती हो? मैं ये गिफ्ट तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहा, ये तुम्हारा एंगेजमेंट गिफ्ट है। एंगेजमेंट गिफ्ट? लेकिन सर इतनी जल्दी क्यों? I mean, आप मेरी एंगेजमेंट में आएंगे ना सर, तो तब आप। एक्चुअली पूर्वी, आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पे आ पाऊंगा या नहीं, और शायद इसीलिए ये गिफ्ट तुम्हें अभी देकर अपनी विशेष कन्वे कर रहा हूँ। I'm really happy for you. You deserve all the happiness in the world. See, Purvi, मैं कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके सामने शायद मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, और उनमें से तुम एक हो पूर्वी। I feel मैं तुम्हारे सामने अपनी हर बात रख सकता हूँ। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड विनय, एंड आई होप कि तुम लोग बहुत खुश रहो। और अगर फिर भी तुम ये गिफ्ट नहीं लेना चाहती तो इट्स ओके, फॉरगेट इट, जस्ट थैंक्स। थैंक यू सर। सर, फिर भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद मेरी एंगेजमेंट में आएंगे
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी पहली कमाई। अगर आज बाबा मेरे साथ होते तो मैं ये कमाई उनके हाथ पे रखती। कैसी है तू और तेरी चोट कैसी है? अरे बड़ा मोटा जख्म है पूर्वी, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। असली टेंशन तो मुझे इस इंटरव्यू की हो रही है। सिताई, अब तू भगवान को जरूर याद कर, लेकिन मदद के लिए नहीं, थैंक्स बोलने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी अर्जुन सर के कैबिन से आ रही हूँ और हम तेरे बारे में बात कर रहे थे। पता है उन्हें तेरा सीवी बहुत पसंद आया, मुझे तो लगता है तुझे जॉब मिल गई। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। ये ज्वेलरी बॉक्स वो ताई मुझे अर्जुन सर ने गिफ्ट दिया है। गिफ्ट? वो एक्चुअली वो शायद मेरी एंगेजमेंट में ना आ पाए इसलिए। क्या है इसमें? पता नहीं ताई, मैंने तो अभी तक खोल के भी नहीं देखा। ये तो डायमंड नेकलेस है। ताई धीरे बोल, कहीं ऑफिस के लोगों ने सुन लिया ना तो बेवजह इशू बन जाएगा। ताई मुझसे नहीं होते इतने महंगे गिफ्ट स्टाइजेस। पता है कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था मुझे जब वो मुझे गिफ्ट दे रहे थे। पर ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, कि ये शायद दूसरी बार है। दूसरी बार? ताई ये कंगन देख रही है, ये भी उन्होंने दिया है। पूर्वी, ये तो सोने के है। अगर पूर्वी जैसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को सोने के बैंगल्स और डायमंड का सेट मिल सकता है तो पुनी तो सोच, तुझे तोहफे में क्या क्या मिल सकता है। बिल्कुल सही जगह पर आई है तू। मैम, आपको अर्जुन सर ने केबिन में बुलाया है। हाँ जी। ऑल द बेस्ट। पूर्वी। हाय। अच्छा अब पुन्नी कैसी है? अब ठीक है वो। पूर्वी ये ज्वेलरी बॉक्स वो मैंने ये अर्जुन सर ने दिया है एज एन एंगेजमेंट गिफ्ट। अर्जुन सर ने दिया है? ले कंगन, ये डायमंड नेकलेस। मैंने कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? पता है मैंने उन्हें कितना मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। फिर ऐसे किसी के गिफ्ट के लिए बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, मुझे लेना पड़ा। ठीक है, इसे संभाल कर रखो, बहुत महंगा होगा ये। मेरी पहली कमाई। अगर आज बाबा मेरे साथ होते तो मैं ये कमाई उनके हाथ पे रखती। लीला अपरंपार आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे हाथ में अपनी पहली कमाई थमाई। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, इतने सालों में मैंने आपसे बहुत सारी शिकायतें की कि आपने मेरी बेटियों को मुझसे दूर कर दिया, मुझे उनसे जुदा कर दिया, लेकिन आज इसे एक पल ने मेरी वो सारी शिकायतें बिटा दी।